अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। राहुल गांधी के महिलाओं पर दिए बयान को लेकर संसद में भले ही स्मृति ईरानी ने जमकर राहुल गांधी को लताड़ा हो और उसके बाद राहुल गांधी अब इस मुद्दे पर माफी मांगने को तैयार नहीं है। दिल्ली के इस विपक्ष की रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर माफी न मांगने की बात कहकर देखिए किस तरीके से बीजेपी को बड़ी चुनौती दे डाली। राहुल का ये आक्रामक भाषण सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से उन्होंने दिया यहाँ पर दमदार भाषण। मुकुल वासनिक जी, कहाँ हैं आप? आपने आज इस छोटे से मैदान में इतने सारे बब्बर शेर और शेरनियां कैसे इकट्ठा कर दिए? और देखिए, एक साथ प्यार से खड़े हैं। यह है हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, मुझे कहा पार्लियामेंट में कल, कहा राहुल जी, सुनिए पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है, नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है। और उनके जो असिस्टेंट हैं अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है।